क्या मुंबई शहर में कोई भूखा रात में सोता है, ऐसा पासबिल है क्या? लास्ट मुंबई से सटा हुआ प्रांत महाराष्ट्र में उल्लासनगर, और उल्लासनगर में अगर एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ के जो सिंधी भाइयों ने व्यापार फैलाया जीन्स का, वो भी चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, या साउथ का हो, या तो यहाँ का महाराष्ट्र का हो, जीन्स व्यापार के धंधे ने काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया हो। और उनकी दिनचर्या क्या है, काम कैसे करते हैं, कितने टाइम में करते हैं, और कितने बजे उठते हैं, कितने बजे काम पर जाते हैं, पूरा दिनचर्या आज देखेंगे कारीगरों का, जींस के कारीगर करते क्या हैं, कितने टाइम से काम करते हैं, कितने बजे तक करते हैं, और लगभग कमाते क्या हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं इस टाइम कारखाने में हूँ मैं, एक एक कारीगर कैसा काम करता है, कितने बजे आता है, और क्या काम करता है, और कितना कमाता है। तो आइए इस वीडियो में यूनिक, आज का ये वीडियो यूनिक होने जा रहा है। आपने जींस देखा है अभी तक मेरे चैनल पे, आपने खाली जींस ही देखा, आज दिखा रहा हूँ कारीगर कैसा काम करते हैं और क्या कमाते हैं। ये जींस के रोल हैं, जींस का रोल बनता है, और सबसे पहले रोल आता है कटिंग पे। तो ये देखो उल्लासनगर के कटिंग मास्टर हैं समझे इस प्रकार से, जो कटिंग करते हैं। ये टेबल रहता है तो वो लगभग 9 बजे तक आते हैं और रात को लगभग 9-10 बजे तक काम करते हैं। पीस पे देखा जाए तो 3.5 से 4 रुपये पीस का मिलता है, और एक मास्टर दिन भर में 400 से 500 पीस काट लेता है, मतलब 1500-1600 रुपये काम वो आराम से कर लेता है। ये पहला पड़ाव है जींस का। ये देखो ये जींस का बेल्ट लॉकिंग का काम है, अभी साइड मारा जा रहा है, साइडिंग मारने के बाद जो बेल्ट लॉकिंग होता है, अभी आप बेल्ट लॉकिंग क्या है वो दिखाता हूँ आप। ये समझे जो बेल्ट होता है जींस का, इसका जो लॉक करते हैं, क्योंकि मशीन चलने के बाद ये बेल्ट पूरा लॉक होता है, तो लॉक का काम है। और इनका जो पीस का कारीगरी है वो पीस पे 4.5 रुपये है, और दिन भर में ये लोग 200 से 250 पीस मार लेते हैं, मतलब 200-250 पीस का लोग मुँह पैक करते हैं, बेल्ट लॉकिंग करते हैं, जिससे लगभग 700 से 800 रुपये ये पर डे का इनका कमाई है इनकम। और ये 5 थ्रेड है, ये समझो दिन भर में एक बंदा 300-400 पीस मार ही लेता है, बेल्ट 5 थ्रेड के साथ देखा जाए तो एक्चुअली 400-500 पीस मारते हैं, और इनका रेट जो रहता है वो समझो 2 रुपये रहता है पर पीस, तो ये भी लगभग समझो कि 1000-1200 रुपये आराम से जो है कमा लेते हैं दिन भर में। अब इनका भी जो ड्यूटी है तो समझो कि सुबह 9 बजे से लेके रात को 10 बजे तक करते हैं, और रात को 10 बजे तक में ये लोग 1000-1200 रुपये पर डे इनकम कर ही लेते हैं। ये जींस का वो वाला भाग है जो साइड में जुड़ता है और बेल्ट होता है, तो इन लोगों का ये काम है। और ये है साइड मुंडा, जो बेल्ट का जो इनसाइड होता है वो इससे ज्वाइंट होता है योग और साइड, तो ये बंदे को जो कारीगरी मिलता है इसका 2.5 से 3 रुपये उल्लासनगर में रेट चलता है, और लगभग 400 से 500 पीस ये लोग मारते हैं दिन भर में, तो इनका 3 रुपये के हिसाब से समझो 1200-1400-1500 रुपये ये मुंडे वाला, अगर अच्छा मुंडे वाला है जो सुबह 9 बजे बैठ के दोपहर में 1 घंटे का लंच भी करके अगर काम करता है तो ये भी आराम से 1400-1500 रुपये आराम से कमा ही लेते हैं मुंडे, साइड मुंडे वाले। बाकी जो कारीगर हैं, ये देखो ये कारीगर हैं, इनका भी वही टाइमिंग है
9 बजे सवेरे कोई आता है, कोई 8:30 बजे आता है, कोई 10 बजे आता है, और रात को 10 बजे तक काम करते हैं, 10-10:30 बजे तक। बीच में इन लोगों का 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का लंच टाइम होता है, जिसमें लोग लंच करते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। ये लोग भी 700 से 800 रुपये पर डे का इनकम इन लोगों का भी हो जाता है। उल्लासनगर में कहने का मतलब यह है कि कोई भी बंदा आया है, सीखा है, तो भूखा नहीं सोता है, और मेहनत करने वाला हो, कारीगरी सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और 700-800 रुपया, 900 रुपया, 1000 रुपया किधर नहीं जाता है जींस में। और ये बंदे मेहनत करते हैं, 9 बजे से बैठते हैं तो रात को 10-11 बजे तक ये लोग काम करते हैं, तो अच्छा खासा इनका इनकम हो जाता है। और जींस का ऐसा बिजनेस है कि लगभग चलता ही चलता है। ये हेल्पर हैं जो उल्लासनगर में हेल्पर हैं, हेल्परों की पगार है वो 12 से 14 हज़ार है, कुछ का 11 हज़ार है, जो नए आते हैं उनका 10 से 11 हज़ार रहता है। कहने का मतलब यह है कि अगर उल्लासनगर में कोई बंदा आया है, काम भी कुछ नहीं आता है, तो जींस की जो घड़ी मानना है, हेल्पर का काम है, वो बंदा आते ही सीख लेता है और काम करने लगता है। मतलब कि जींस की यहाँ इतनी फैक्ट्रियाँ हैं कि कोई भी बंदा आए, काम ना मिले ऐसा पार्टी नहीं। जींस का काम है लगभग ऐसे ही, यहाँ जो कारखाने हैं वो ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं है, लेकिन हर कारखानों में, दुकानों में जो भी हैं, 15-20-30-25, कोई बड़े कारखाने हैं उसमें 100-150 लोग काम करते हैं, और वहाँ हर कारीगर की कमाई हो, चाहे बेल्ट वाला हो, चाहे फाइव फेट वाला हो, लगभग 700-800 रुपये का काम कर ही लेता है। और जो कटिंग मास्टर हैं उन लोग भी 1000-1500 रुपये का फायदे का काम करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसा कहा जाता है कि भाई मुंबई में अगर कोई आया है, मेहनत करता है, तो भूखा नहीं सोता है, तो वैसा ही उल्लासनगर भी इतना अच्छा जींस का हब है, गाउन का हब है, यहाँ भी काम करने वाला इंसान है, बंदा है, अगर मेहनत करने वाला है तो कभी भूखा नहीं सो सकता, और काम की कभी कमी नहीं हो सकती, बशर्ते काम छोटा बड़ा न समझे, काम करने के प्रति उसके अंदर जुनून हो, वो आप कुछ भी काम कर सकता है, और कहीं भी 15-16 हज़ार आराम से कमा सकता है। काम होता है जींस का, ऐसा ही काम भी कर सकता है। लास्ट से मेरे चैनल से जुड़े हुए दोस्तों को यही दिखाना चाहता था कि यहाँ जींस बनता कैसा है, तो सब वीडियो लगभग मैंने डिटेल में कई अपनी वीडियो में डाला है, लेकिन आज आपको ये दिखा रहा था कि यहाँ कितने लोगों से काम हो जाता है, लगभग कितने लोग काम करते हैं और कितना कमाते हैं। आशा करता हूँ कि छोटा सा नया वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, कारखाने का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि जिस तक मैं वीडियो बनाता हूँ आप तक पहुँचती रहें, और आपसे मेरा ऐसे संपर्क बना रहे। दोस्तों, नमस्कार।